नमस्कार साथियों, आज के सत्र में मैं आपको बताऊंगा बायोश्री योजना। दोस्तों, बायोश्री योजना क्या है और ये किस राज्य से लॉन्च की गई है और कौन से राज्य वाले इस बायोश्री योजना में अपना ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं और कितने रुपए आपको पर महीने मिलेगा, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया क्या है वो पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसलिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए घंटी को ऊपर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये बायोश्री जो योजना है ये दोस्तों महाराष्ट्र की योजना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वृद्धजनों के लिए योजना लाई गई है जिसमें दोस्तों सरकार 3,000 रुपये पर महीने आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जो है बुजुर्गों और नागरिकों के लिए बायोश्री योजना का शुरुआत की थी। इसको 16 फरवरी 2024 में चालू कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख रहे 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो 65 वर्ष के साल से अधिक हैं ऐसे नागरिक, यानी कि जो गरीबी के कारण छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि कोई काम नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे कि, ठीक है, या फिर अपंग होते हैं, चल नहीं पाते हैं, हाथ टूटा होता है, बहरे होते हैं, या फिर आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उन वृद्धजनों के लिए दोस्तों इस योजना को निकाला गया है, महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है, ठीक है। इसमें 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें बताया गया नागरिक शारीरिकता विकलांगता के अनुसार जो है खाद्य पाए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा जो होगा उसके हिसाब से यहाँ पर जो है DBT के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी उनके खाते में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर इसके लिए दस्तावेज क्या ज़रूरी लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि बायोश्री योजना का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो इसमें बायोश्री योजना फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो दोस्तों 65 वर्ष से अधिक वाले को यहाँ पर जो राशि मिलेगी, ठीक है। तो उसके साथ उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद उसमें यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी यहाँ पर है जो कि आपको ये दस्तावेज के लिए लाना है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि दोस्तों आवेदक जो करता है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 31/12/2023 को वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि उनकी 65 वर्ष आयु जो है पूरी हो जानी चाहिए तभी आवेदन करें, ताकि आवेदन ना करें, ठीक है, नहीं तो आवेदन फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। योजना के लिए दोस्तों जो आवेदक है वो महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड और मतदान कार्ड पत्र होना चाहिए, ठीक है, जो आपका पहचान पत्र है वो होना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों BPL जो राशन कार्ड है वो होना चाहिए, आपके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें पर परिवार की कुल आय जो है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आवेदक के पास नेशनल बैंक का खाता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो है इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, तभी आप, अगर नहीं आपका पंजाब नेशनल यानी कि नेशनल बैंक में खाता तो दोस्तों आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों आधार कार्ड, मतदान कार्ड, उसके बाद बैंक का पासबुक लगेगा नेशनल बैंक का, उसके बाद 2 फोटो लगेंगे, पासपोर्ट साइज, स्व घोषणा पत्र लगेगा, पहचान पत्र साबित करने के लिए दोस्तों सरकार द्वारा अन्य भी दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर जो है दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है होनी चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई आपको कहाँ से करना है, लेकिन दोस्तों अभी जो इसका अप्लाई फॉर्म है वो अभी आया नहीं है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आ जाएगा तो उसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा और वीडियो भी उसकी हम बना देंगे प्रॉपर कैसा दोस्तों आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी थी तो आपको मैंने बता दी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल न्यू हो सब्सक्राइब कर